सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 ने 15 अगस्त के दिन हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर भी धमाकेदार कमाई कर रही है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर गदर 2 ने धुआंधार रिकॉर्ड बना दिया है। बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तारा सिंह और सकीना की फिल्म हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। गदर 2 सभी फिल्मों को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें, गदर 2 के साथ ही OMG 2 और जेलर भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। बता दें, 15 अगस्त को तीनों ही फिल्में गदर 2, OMG 2 और जेलर ने धुआंधार कमाई की है। आइए अब आपको बताते हैं, गदर 2, OMG 2 और जेलर ने स्वतंत्रता दिवस के दिन कितनी कमाई की है। गदर 2 में सनी देओल एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार तारा सिंह के रूप में लोगों का दिल जीत रहे हैं। साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा की तरह है। इस फिल्म के सीक्वल गदर 2 ने भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का पूरा फायदा मिला है। इसी के साथ अब फिल्म के रिलीज के 5वें दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। गदर 2 ने 15 अगस्त के दिन 55 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन करीब 228 करोड़ हो गया है। गदर 2 5 दिन में ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। यह फिल्म जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। OMG 2 की बात करें तो गदर 2 के मुकाबले ये फिल्म काफी पीछे चल रही है, लेकिन लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। OMG 2 ने 15 अगस्त के दिन करीब 18.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म का कलेक्शन करीब 75 करोड़ हो जाएगा। OMG 2 जल्द 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। वहीं रजनीकांत की फिल्म जेलर OMG 2 और गदर को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये फिल्म भारत में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। जेलर एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है, जिसमें रजनीकांत के साथ राजकुमार, मोहनलाल और जैकी श्रॉफ लीड रोल में हैं। 15 अगस्त पर जेलर ने शानदार कलेक्शन किया है। फिल्म ने अब तक 207.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अब आगे देखना होगा कि कौन सी फिल्म कितना कलेक्शन करती है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।